खटीमा से क्षेत्रीय विधायक पुष्कर सिंह धामी के सीएम बनने के बाद क्षेत्र में विकास कार्य तेजी से हो रहा है। इसी क्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने तिगरी भुड़ाई में 50 लाख की लागत से बनने वाली लोक निर्माण विभाग की सड़क का शुभारंभ किया। इस मौके पर गीता धामी ने बताया कि आज तिगरी भुड़ाई में 1600 मीटर रोड का उद्घाटन किया गया है। साथ ही सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि गुणवत्तापूर्ण सड़क का निर्माण किया जाए। उन्होंने आश्वासन दिया कि क्षेत्र के सभी आंतरिक सड़कों का निर्माण होगा, रुके हुए विकास कार्यों को गति मिलेगी। वहीं गांव क्षेत्र के प्रधानपति जीवन धामी ने बताया कि बहुप्रतीक्षित तिगरी भुड़ाई सड़क का मुख्यमंत्री की पत्नी गीता धामी ने शिलान्यास किया है, जिसके बाद क्षेत्र की जनता में खुशी का माहौल है। साथ ही क्षेत्र की जनता ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। तिगरी भुड़ाई जो मार्ग का आज शिलान्यास हुआ है माननीय विधायक मुख्यमंत्री श्रीमती गीता धामी द्वारा, मुख्यमंत्री जी की पत्नी गीता धामी द्वारा, तो सभी ग्रामवासियों में हर्षोल्लास के साथ सभी लोग खुश हैं। और बाकी इसके अलावा भी क्षेत्रों में विभिन्न जो कार्य किए जा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री महोदय के कार्यों से लगभग खटीमा की जनता बेहद खुश है। प्रकार से यहाँ पे सभी विकास कार्य हो रहे हैं और आज हमने तिगड़ी भुड़ाई में 1600 मीटर रोड का उद्घाटन किया है और सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सही गुणवत्ता के साथ में सड़क का निर्माण करें और इन कार्यों को आगे बढ़ाते हुए जो भी कार्य रुके हुए हैं वो गति से होंगे। जी, विधानसभा सत्र की अगर बात करें तो आंतरिक सड़कें कई ऐसी हैं जो टूटी हुई हैं, लोगों की शिकायतें हैं, तो उसको लेकर क्या किया जाता है? जी जी, सब के सब जो है हमारा प्रयास यही रहेगा कि जल्द से जल्द सारी सड़कों का निर्माण होगा और विकास कार्य को गति मिलेगी।